ढाबा वाली फीलिंग आ रही है। ये थोड़ा स्पाइसी है। नागपुर के मटन की आता है कितना बड़ा था। मुझे लगा चूल्हे पे का है तो गर्म होगा। नाशिक में हमारा पहला स्टॉप है साधना मिसल। ये प्लेस बहुत अच्छी लगी हमको एक्चुअली एंट्री करते हुए। बहुत ट्रेडिशनल लग रही है। मुझे लगा कि बहुत छोटी सी प्लेस होगी पर ये काफी बड़ी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियां हैं तो शायद ये बड़ी प्लेस है। Hey guys, welcome back to the channel, Sky High. आज हम लोग आया है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन नासिक टू हैव मिसर, जिसका नाम है साधना मिसर। पार्किंग भी बहुत बड़ी है यहाँ की। इतना बड़ा दिख रहा है वो। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हमें था कि छोटा रेस्टोरेंट या कुछ होगा, छोटा सा रेस्टोरेंट होगा ऐसा मुझे लगा था। मैंने सुना है कि इंडिया की सबसे बेस्ट मिसर यहाँ मिलती है। यहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है सो हमको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत रश था लेकिन हमको जगह मिल गई। मेन्यू कार्ड काफी सिंपल था एंड रेट भी काफी रिजनेबल थे वहाँ पे। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। खटिया है यहाँ पे, छोटी छोटी खटिया, एक ढाबा वाली फीलिंग आ रही है। बेसिकली ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये तेरे पीछे का प्रिंट नहीं है, ये प्रिंट है। बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ का पूरा डेकोर ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनल तरीका, पुराने जमाने में जैसे घर होते थे ना, हाँ, पाड़े होते थे, पाड़ा, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। या यहाँ पे सारे फैमिली क्राउड भी है, कॉलेज क्राउड भी है, सो अच्छी वाइब्स आ रही है। ब्रंच के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, बेसिकली मिसल के लिए। स्पेशली महाराष्ट्र में मिसल पाव बहुत फेमस है एंड सबको बहुत पसंद है। तो ये है मिसल पाव, इसके साथ आते हैं कुछ स्प्राउट्स एंड फरसान। इसमें रहती है तर्री, ये थोड़ी स्पाइसी है और ये लेस स्पाइसी है, प्लस थोड़ा सा कांदा एंड नींबू। पापड़, अगर आपको तीखा लग रहा है तो उसके साथ कर्ड एंड पाव। ये सोल कड़ी है। शार्दुल ने कभी मिसल नहीं खाई इससे पहले, अच्छी वाली ऐसी वाली नहीं खाई। शार्दुल ने मुंबई वाली मिसल खाई है जिसमें मटर रहता है, बट मुझे जो मिसल पसंद है वो ये वाली है जो स्प्राउट्स इसमें होते हैं। दो स्पून की, ये दो स्पून दिए, पता नहीं दो स्पून क्यों, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता। और ये बहुत स्पाइसी होती है, ये आप इसकी तर्री देख के समझ सकते हो। ये बेसिकली ऑयल है, ये जो तर्री है ना ये स्पाइसी ऑयल है एंड ये लेस स्पाइसी तर्री है। शाहरुख एक्साइटेड, स्मेल इतनी प्यारी है ना, मुझे बहुत भूख लगी। यू आर गोइंग टू हैव मिसल फॉर द फर्स्ट टाइम, नासिक की मिसल फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली, नासिक की मिसल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मिसल प्रॉपर चूल्हे पे बनाते हैं इसलिए इसको चूल्हे पर से मिसल बोलते हैं। ये सब ये सिर्फ 99 rupees का है सो इट्स वेरी रीजनेबल। इसमें ऑलरेडी तर्री है बट मुझे और स्पाइसी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कितना स्पाइसी है लेकिन मुझे स्पाइसी पसंद है। इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, एक्चुअली बहुत सारा प्याज डालेंगे एंड लेमन। ये तर्री हमेशा अनलिमिटेड होती है, आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हो। तो ये तर्री मैं डालूंगी थोड़ा इसमें, ये बहुत स्पाइसी होती है। ऑयली लग रहा है वो तो, ये ऑयली होता है बेसिकली। आप ये खा के डाइट तो भूल ही जाओ। अगर आपको स्पाइसी लगे तो आप इसमें कर्ड भी मिक्स कर सकते हो, बट मुझे स्पाइसी पसंद है। ओके तो लेट्स ट्राई, इसको ऐसे खाया जाता है। इतना अच्छा पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल है। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी। अगर मैं बोलती मैं मुंबई से नासिक से मिसल खाने आई हूँ तो भी ये वर्थ इट। नासिक आके ये मिसल खाना डेफिनेटली बनता है। अरे तभी की स्मेल बहुत अमेजिंग आ रही है। अगर इसको मिसल देते हैं ना तो मैंने पहले क्या खाया मुझे पता नहीं। क्या फ्लेवर है इसका? एग्जैक्टली स्पाइसी है पर ओवर पावरिंग स्पाइसी नहीं, स्पाइसी अच्छे है, टेस्टी है। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए ना तो ये दूसरा वाला जो ग्रेवी है ये ज्यादा तीखा नहीं होता है। तीखा वाला तो मैंने ट्राई कर लिया है, सादा वाला ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तीखा वाला साइड है, यहाँ पे मैं तीखा वाला डाल के देख रहा हूँ टेस्ट के लिए। इसका जो खुशबू आ रही है ना बहुत ही बढ़िया। आई कांट सी दिस कैन बी तीखा वाला क्योंकि पूरा जोरदार ही दिख रहा है, बट लेट्स ट्राई। फीका है, थोड़ा सब्ड्यूड है बट टेस्ट अमेजिंग है। जो लोग ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते उनके लिए अच्छा रहेगा। जिनको इतना भी स्पाइसी सहन नहीं होता उनके लिए ये लोग नॉर्मल रसा में दही मिक्स करके खा सकते हैं। मुझे नहीं पसंद लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी। थोड़ा सा मिक्स दही मिक्स कर लिया, अच्छा है बट पर्सनली मुझे स्पाइसी वाला पसंद है, दही मिक्स वाला मिक्सर नहीं पसंद। खट्टा दही है, मीठा है, खट्टा दही, खट्टा दही है, मैं चाहती हूं बट मिक्सर ने मुझे धोखा दे दिया। ये गया पैंट काम से, नॉर्मली रख के खा सकती, इतना एक्साइटेड हुए खाना नहीं चाहिए। मैं सारी ले रही थी वो गिर गई है। पूरा प्योर ऑयल था वो।
इसलिए खाते वक्त खाने पे फोकस करना चाहिए। खाने पे फोकस कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ। आ गया तीखा लग रहा है तो सोल करी हो जाए। इसमें क्या रहता है डी? इसमें रहता है कोकम एंड आई थिंक नारियल का दूध रहता है इसमें, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी बनाई नहीं तो मुझे 100% पता नहीं। अच्छा ये चिली वर्की मिसल के साथ में नहीं आता है, हमने अलग से ऑर्डर किया है, 50 रुपीज का बताया। मेरा हाथ का साइज देखो तो पाव, अपने दो वड़ा पाव आ जाएंगे इसमें। एक पाव खा के मेरा पेट भर गया, पाव इतना बड़ा बड़ा है, ये खत्म करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। मैं क्लीन आउट कर लिया। सो ये हमारा बिल है, एक पीस है 99, दो पीस ऑर्डर किए तो इतना कम बिल हमारा हुआ है। GST इंक्लूड करके हमारा बिल है 621 रुपीज, दोनों हो चुके हैं। टेस्ट इज अमेजिंग, सो लिखे परमानेंट टैटू 500 रुपीज, टेम्प्रेरी 400 रुपीज। छोटे बच्चे टेम्प्रेरी टैटू कर रहे हैं यहाँ पे। इन्हें छोटा सा ऐसे बनाया आई लव मिस्टर्ड बोल के। यहाँ की स्पेशलिटी एक्चुअली यहाँ चूली वर्क आइसक्रीम, मतलब चूल्हे पे बना हुआ आइसक्रीम, पता नहीं ये मेरे फर्स्ट टाइम सुना। अगर हम कोई आइसक्रीम खाना है तो पहले वहाँ से काउंटर से टोकन लेना पड़ता है। आइसक्रीम चूल्हे पे कैसे बनेगा? सो लेट्स ट्राई। अच्छा क्या करते हैं उबाल के बनाते हैं? सो ये आइसक्रीम है, बट यहाँ का मिसर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम नहीं कुल्फी लगी मुझे, टेस्ट उसका अच्छा था, बट मुझे लगा चूल्हे पे बनी हुई आइसक्रीम बोली तो कुछ डिफरेंट होगा, बट ऐसा कुछ उसका स्पेशल मीनिंग है नहीं। वो सिर्फ दूध उसका चूल्हे पे उबाला हुआ गया है एंड उससे उसकी आइसक्रीम बनी है। एंड आई लव दिस प्लेस बिकॉज ऑफ मिसर, एंड आई लव मिसर। हाँ ये पिछली का भी है, आई लव मिसर। और यहाँ पे छोटे छोटे फोटो बुक बनाए हैं ऐसे छोटे छोटे फोटो शूट के लिए बूथ्स बनाए गए हैं। कितना क्यूट सा फ्रेम है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है फ्रेम में, और तू भी अच्छी लग रही है इसमें। हाँ। तेरा एक फोटो बनता है ना बनाने। यहाँ पे ऊंट के हाथी तो रियल लग रहा था। ऊंट है, देखो बैलगाड़ी है यहाँ पे, बैलगाड़ी में भी आप कर सकते हो। राइट, लगा था भाई ये जो बैल है नकली है, जब मैं ओ हट जा रहा हूं। ये क्या था ये? हम भागे क्योंकि हमारे पीछे घोड़ा और बैल भाग रहे थे, उनको पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी और हम उनके पार्किंग में खड़े थे। पान में यार ये स्मोक वाला पान है, चलो ट्राई करते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ पान, इतने सारे पान है यहाँ पे। दोनों ठंडे रहते हैं, स्मोक पान आइस जैसे ठंडा है, फायर पान मिंट जैसे ठंडा है। सो एक काम करते हैं, मैं फायर पान खाती हूँ और तुम स्मोक पान खाओ, ठीक है? अगर एक फायर पान लौंग को आग लगे थे, लौंग को आग लगी थी, लौंग मुझे पसंद नहीं, मैं निकाल गई। मैं फोन नहीं लगा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट नॉर्मल है। स्मोक पान भी ट्राई करना है? कर ले अभी, वो तुम करो, मैं स्मोक वाला ट्राई कर रहा हूँ। कितना ठंडा है? नाइट्रोजन है। ओ तुम्हें नाइट्रोजन खाया? निकल जाता था, खाते नहीं हो। सो अभी हमने साधना मिसर में बहुत प्यारी बहुत अमेजिंग मिसर खाई है, आइसक्रीम खाई एंड फायर पान खाया, स्मोक पान खाया, हमने बहुत कुछ ट्राई किया। यहाँ पे इतनी प्यारी मिसर शादू ने तो पहले कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम खाया एक्चुअली। इसको बोलते हैं असली मिसर। नासिक में यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिसर मिलती है ऐसा मैं बोल सकती हूँ, एंड एक्चुअली इट्स ट्रू। तो आप जब भी नासिक आए प्लीज साधना मिसर में जरूर आए, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ का। एंड सेकंडली इट्स रियली चीप। सो आई होप आपको ये हमारा साधना मिसर वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। And if you like this video, please comment down below, share our video, subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay healthy, and keep watching our vlogs. Bye.